फ्रेंड्स नमस्कार, चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास टेंथ का इंग्लिश बुक, जिस बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सर्जरी की जीत या सर्जरी का विजय, जिनका राइटर है मिस्टर जेम्स हेरियर। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ वर्ड मीनिंग को लिख रखा है, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल करके वर्ड मीनिंग को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहला वर्ड मीनिंग है सफर, SUFFER, सफर। सफर का मतलब होता है पीड़ित। क्या होता है? पीड़ित होता है। दूसरा है वरीड, WORRIED, वरीड का मतलब होता है चिंतित। तीसरा वर्ड मीनिंग है लिस्टलेस, LISTLESS, लिस्टलेस का मतलब होता है उत्साह रहित। अगला है लेस ए एक्टिव, LESS, लेस ए एक्टिव, ACTIVE, लेस ए एक्टिव का मतलब होता है कम फुर्तीला या बेचैनी। अगला है वाइज, WISE, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। अगला है मैलन्यूट्रिशन, MALNUTRITION, मैलन्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। अगला है रेफर, REFER, रेफर का मतलब होता है उल्लेख करना। अगला है रिएक्ट, REACT, रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना। अगला है टेम्प्ट, TEMPT, टेम्प्ट का मतलब होता है प्रलोभन होना। अगला है मिस्ट्रेस, MISTRESS, मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन। अगला है टेम्पटेशन, TEMPTATION, टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन। अगला है शेयर, SHARE, शेयर का मतलब होता है हिस्सा। अगला है पार्टिंग स्किन, PARTING, पार्टिंग SCENE, स्किन, पार्टिंग स्किन का मतलब होता है बिछड़ने का दृश्य यानी बिछड़ने का नजारा। अगला है बाउल, BOWL, बाउल का मतलब होता है कटोरा। अगला है असिस्टेंस, ASSISTANT, असिस्टेंस का मतलब होता है सहायक। अगला है मौन, MOAN, मौन का मतलब होता है विलाप करना। अगला है प्लेंटी ऑफ, PLENTY, प्लेंटी OF, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। अगला है एपियरेंस, APPEARANCE, एपियरेंस का मतलब होता है शक्ल या सूरत। अगला है शॉक्ड, शॉक्ड, SHOCKED, शॉक्ड का मतलब होता है सदमा पहुंचना। अगला है जो, JOW, जो का मतलब होता है जबड़ा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, जिसका हिंदी होता है मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित
क्यों थी, तो आपको पता होगा, हम कहानी बताए थे आप लोगों को। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, मिसेस पम्फ्रे वाज वरीड अबाउट ट्री की। सबसे पहले क्वेश्चन का आधार लेकर के बनाते हैं आंसर। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिसेस पम्फ्रे वाज वरीड अबाउट ट्री की, यानी मिसेस पम्फ्रे ट्रिकी के बारे में चिंतित थे, बिकॉज, क्योंकि शी फेल दैट, वह सोचती है दैट की ही हैड बिकम लिस्टलेस, कि वह जो है कम फुर्त उत्साह रहित हो गया है, एंड लेस ए एक्टिव, और कम फुर्तीला हो चुका है। थॉट दैट, जैसा कि ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, और जैसा कि ट्रिकी है से कुपोषण से क्या है, पीड़ित है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई वाज मिस्टर हैरियट शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, जिसका हिंदी होता है, मिस्टर हैरियट को ट्रिकी के शक्ल पर सदमा क्यों पहुंची। चलिए कहानी को याद कीजिए, तो चलिए लिखेंगे, मिस्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस। यही क्वेश्चन को हम क्या किए, यहाँ तक आधार ले लिए। तो मिस्टर हैरियट वाज शॉक्ड एट ट्रिकीज अपीयरेंस, यानी मिस्टर को ट्रिकी के शक्ल पर सदमा पहुंचा, बिकॉज, क्योंकि इट हैड बिकम वेरी फैट, क्योंकि वह क्या हो चुका था, बहुत मोटा हो चुका था। हिज आइज, यानी उसकी आंखें, हैड बिकम रेड, उसकी आंखें पूरा लाल हो चुका था, एंड और हिज टंग, यानी और उसका जीभ, हैड रोल्ड, और उसका जो जीभ था लुढ़क चुका था, मुंह से बाहर निकल चुका था, एंड और इट वॉक्ड वेरी विथ टिपिकल, और वह बहुत ही कठिनाई से टहल रहा था, कठिनाई के साथ वह टहल रहा था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तीसरा। चलिए तीसरा प्रश्न, तीसरा है, व्हाट डिड सी डू टू ब्रिंग हिम बैक टू नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य, हेल्थ। वाज सी सक्सेसफुल, इसका हिंदी होता है, वह उसे समान स्वास्थ्य में वापस लाने के लिए क्या की। कौन क्या की, मिसेस पम्फ्रे, क्या वह सफल हुई। चलिए आंसर लिखेंगे, व्हेन, यानी जब मिसेस पम्फ्रे फेल्ट दैट, जब मिसेस पम्फ्रे सोची कि ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, जब मिसेस पम्फ्रे सोची कि ट्रिकी कुपोषण से पीड़ित है, तो सी स्टार्टेड टू गिव हिम, तो वह उसे देना प्रारंभ कर देती है, ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स का कटोरा देना प्रारंभ कर देती है, एट नाइट, यानी रात में देना प्रारंभ करती है, टू बीइंग हिम बैक टू नॉर्मल हेल्थ, वह उसे सामान्य स्वास्थ्य में लाने के लिए क्या करती है, हॉर्लिक्स का कटोरा देना प्रारंभ कर देती है। बट लेकिन शी वॉज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती है, इट मेड हिज कंडीशन बैड टू वर्स, जैसा कि उसका जो स्वास्थ्य है वो बद से बदतर हो जाता है। देखिए बैड टू वर्स का मतलब क्या होता है, बद से बदतर, यानी उसका स्थिति है से खराब हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे फोर, चौथा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे चौथा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिस्टर हैरियट्स स्ट्रिक्ट एडवाइस, डिड मिसेस पम्फ्रे नीड हिज एडवाइस, जिसका हिंदी होता है, मिस्टर हैरियट का कड़ा सलाह क्या था, क्या मिसेस पम्फ्रे उसके सलाह पर ध्यान दी, तो नहीं ध्यान देती। तो चलिए आंसर लिखेंगे, मिस्टर हैरियट एडवाइस्ड मिसेस पम्फ्रे, मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को सलाह दी, टू रेडियोस ट्रिकीज फूड टू गिव हिम प्लेंटी ऑफ वाटर, कि ट्रिकी को केवल पर्याप्त मात्रा में पानी देना है,
एंड गिव हिम एक्सरसाइज, और उसे पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज यानी व्यायाम भी कराना है। मिसेस पम्फ्रे डिड नॉट नीड हिज एडवाइस, और मिसेस पम्फ्रे उसका सलाह को नहीं मानी थी, वह उसका सलाह को नहीं पालन कर पाई थी। तो चलिए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा है कि व्हाई डिड मिसेस पम्फ्रे मेक ए फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट, जिसका हिंदी होता है मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हैरियट को अचानक क्यों बुलाई। चलिए आंसर लिखेंगे, मिसेस पम्फ्रे मेड ए फ्रेंटिक कॉल टू मिस्टर हैरियट, मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हैरियट को तुरंत बुलाई बिकॉज, क्योंकि ट्रिकी हैड स्टॉप्ड ईटिंग, क्योंकि जो ट्रिकी है वो खाना बंद कर देती है, यानी वो खाना नहीं खाता है। ही वॉज नॉट ईटिंग हिज फेवरेट फूड, और जो उसका फेवरेट भोजन होता है वह उसे भी खाना बंद कर देती है, इसीलिए वह तुरंत क्या की थी, डॉक्टर को कॉल करके बुलाई थी। अब हम लोग देखेंगे छठा क्वेश्चन है कि हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह कुत्ते को इलाज कैसे करता है, वह का मतलब मिस्टर हैरियट डॉक्टर, तो वह कुत्ते का इलाज कैसे करता है। तो चलिए आंसर लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले मिस्टर हैरियट टेक्स द डॉग ऑफ हॉस्पिटल, तो सबसे पहले मिस्टर हैरियट जो कुत्ता का जो हॉस्पिटल होता है वहाँ उसको ले जाते हैं। आफ्टर दैट यानी उसके बाद ही डज नॉट गिव टू इट फूड टिल टू डेज, इसके बाद वह दो दिनों तक उसको खाना देना बंद कर देते हैं, यानी उसको खाना नहीं देते हैं। देन तभी ही गिव्स प्लेंटी ऑफ वाटर, इसके बाद वे उसको कुछ पर्याप्त मात्रा में पानी देते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद मिस्टर हैरियट स्टार्ट्स टू गिव फूड ऑफ दिस शेयर, उसके बाद वह कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाद जो कुत्ता का हिस्सा का जो खाना होता है उसको देना वे प्रारंभ कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे सातवां प्रश्न को। चलिए तो देखेंगे सातवां प्रश्न है, Why was he tempted to keep Tricky on as a permanent guest, जिसका हिंदी होता है वह ट्रिकी को हमेशा ही अपना मेहमान बनाकर क्यों रखना चाहता था, कौन रखना चाहता था, मिस्टर जेम्स हैरियट। तो लिखेंगे आंसर when, यानी जब मिस्टर हैरियट टोल्ड मिसेस पम्फ्रे ऑन टेलीफोन, जब मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को टेलीफोन पे कही द ट्रिकी वाज रिकवरिंग, कि ट्रिकी जो है वह पूरी तरह से रिकवर यानी ठीक हो चुका है, सी वाज वेरी हैप्पी, तो वह बहुत खुश होती है, तो सी स्टार्टेड टू सेंड एग्स, तो वह अंडा भेजना प्रारंभ कर देती है, वाइन यानी शराब भेजना प्रारंभ कर देती है, जूस यानी जूस भेजना प्रारंभ कर देती है, इट्टी से यानी और एक्स्ट्रा चीज़ भेजती थी, जैसे भेजती थी बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, तरह तरह का चीज़ भेजती थी, फॉर ट्रिकी के लिए भेजती थी। मिस्टर हैरियट एंड हिज स्टाफ एट एग्स एंड ड्रैंक वाइन एंड जूस, और मिस्टर हैरियट और उनके जो स्टाफ थे वे लोग अंडा खाते थे शराब पीते थे और जूस वे लोग खुद खा पी जाते थे, ट्रिकी को नहीं देते थे, सो इसीलिए इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, इसीलिए वे लोग ट्रिकी को हमेशा ही के लिए अपना एक परमानेंट यानी हमेशा के लिए वे लोग मेहमान के रूप में बनाकर रखना चाहते थे, कि ताकि जो भी ट्रिकी का भोजन आएगा वे हम लोग सब खाए पिएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सात प्रश्न को देखें, ठीक है, धन्यवाद।